और अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो भाई दिल से सॉरी। A few moments later. पुलिस वाले CSP DSP जो तेरी मारेंगे ना अच्छे से आके, तू ये जो पादाबूदी मचा रहा है ना इधर उधर ना दस्त लग जाएंगे तुझे बहुत बुरे। जनता को क्या बोल रहा है तू चूतिया है, इसका जिम्मेदार तू खुद रहेगा। ये तो फिर झक मराने को मुझे रोस्ट मार रहा है तू, जब तू चड्डी पहनता होगा ना तब मैं स्टेज पे चढ़ गया था। और इस सब कॉन्ट्रोवर्सी में नीरज सिंह पवार जो कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है और एमएचओ मिस्टर ओलंपिया मेडलिस्ट भी है, उन्होंने अवेश को सपोर्ट करते हुए एक वीडियो शेयर करा। आज हम बात करेंगे इस बंदे के बारे में जो कि इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा ट्रोल हो रहा है, जिसे बहुत सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर रोस्ट करने में लगे हुए हैं, गलत गलत मैसेजेस कर रहे हैं, क्योंकि ये बंदा सभी लोगों की हेल्प कर रहा है इंस्टाग्राम पे। और ये चीजें बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर बड़े बड़े फिटनेस कोचेस को रास नहीं आ रही, क्योंकि वही लोग ये सब चीजें बताने के बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं, बहुत ज्यादा फीस चार्ज करते हैं, जिसको मैं गलत नहीं मानता हूँ। वही कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो कि खाते कुछ अलग चीजें, लगाते कुछ अलग चीजें, लेकिन बताते कुछ अलग चीजें। सारे लोग उल्लू बनाने के लिए बैठे हुए हैं, वहीं ये बंदा उन सबकी हेल्प करने में लगा हुआ है। तो मैं आवेश चौधरी की सपोर्ट में हूँ और हमेशा रहूंगा। और इस सब के बीच में एक वीडियो आता है कबीर गौरव की तरफ से। तो ये है हमारे आवेश चौधरी भाई, और क्या ये एक डॉक्टर है? नहीं। क्या ये एक हेल्थ स्पेशलिस्ट है? नहीं। क्या ये कहीं से भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है? तो फिर ये इतने खुले में हॉर्मोन से सजेस्ट कर रहे हैं। आवेश भाई, आपके नैटी और नॉट के लिए काफी रिस्पेक्ट है। लोग आके इनसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि कौन से एनाबॉलिक्स कटिंग बल्किंग रिकवरी के लिए लेने चाहिए, एंड आवेश भाई बहुत डिटेल में डोजेस के साथ लोगों को बता देते हैं। जो काम जिम में सस्ते ट्रेनर्स अपनी कमीशन बनाने के लिए करते थे, ये भाई ऑनलाइन कर रहे हैं। अगर कोई साइड इफेक्ट्स आएंगे या किसी की हो जाएगी, तब भी इन भाई को कोई अकाउंटेबल नहीं ठहरा पाएगा, क्योंकि ऐसा कोई रूल ही नहीं है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इन्फ्लुएंसर्स की दवाइयों के बारे में मानना बंद करो, वरना जब साइड इफेक्ट्स देखेंगे अकेले बैठे होंगे हॉस्पिटल में, एंड ये भाई आपको ब्लॉक कर चुके होंगे। एंड आवेश भाई से रिक्वेस्ट है, प्लीज दवाइयां सजेस्ट करना बंद करो, ये लिटरली लोगों का अंदर पूरा सिस्टम खराब कर सकती है। एंड इतने खुले में आप बोल रहे हो कि ये बिगिनर्स के लिए भी है, तो प्लीज थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। जिसके रिप्लाई में आवेश का ये वीडियो देखने को मिला। अभी आपने मेरा वीडियो बना के रोस्ट किया, फनी, मेरे को उस चीज का बुरा नहीं लगा। अभी भी बहुत रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ भाई आपसे, कि मैं अकाउंट में वीडियो इसलिए बनाता हूँ, मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है, बोलते 2 लाख लेके आ जा, तेरा करियर बनवा दूंगा, तेरे को रिस्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। फिर वो बंदे लालच में आ जाते हैं, कोई खेत बेच रहा है, कोई मम्मी के गहने बेच रहा है, बीवी के बेच रहा है, कोई गाड़ी बेच रहा है, और उसके बाद उनकी बॉडी तो बनती नहीं है, आखिरी में हाथ उठा देते हैं, बोलते तुम्हारे जेनेटिक्स ही नहीं है, तुम्हारी बॉडी तो नहीं बन पाएगी। भाई ये नाजायज जो पैसे खा रहे हैं ना, उनके लिए आया हूँ मैं इस अकाउंट में, और मेरे स्टेरॉइड को बताने से फायदे और नुकसान बताता हूँ मैं, उससे दिक्कत नहीं हो रही है। इन्फ्लुएंसर जितने भी हैं उनको दिक्कत ये हो रही है कि मैं साथ में रेट भी बता देता हूँ, ये टेबलेट 1000 की है, ये बॉटल 2000 की है। और अगर आपकी मेरे जैसी सोचे तो चलो मिलके काम करते हैं, सबकी बैंड बजाते हैं अच्छे से, ठीक है? और अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो भाई दिल से सॉरी। और उसके बाद कबीर ने कुछ स्टोरीज शेयर की थी अवेश को कुछ बोलते हुए, जिस पर से अवेश ने ये कहा, मेरे दिमाग का तो हुआ या नहीं हुआ तेरा कर दूंगा, मैं बादाम खाया कर सत्तू खा के, तू ये जो पादाबूदी मचा रहा है ना इधर उधर, किसी दिन है ना दस्त लग जाएंगे तुझे बहुत बुरे। और रही बात यूट्यूब का बोल रहा था मैं, उस पे कुछ भी लिख के डालते हैं तो 1000 वीडियो आ जाती है, चाहे पर की डालो, स्टेरॉइड की डालो, या किसी भी चीज की डालो। और मेरी जनता को क्या बोल रहा है तू चूतिया है, अगर ये जनता अभी तेरे अकाउंट में आके फोड़ा फाड़ी मचाएगी ना, इसका जिम्मेदार तू खुद रहेगा, क्योंकि ये तू जो यहाँ पे लिख रहा है ना, मेरे अकाउंट में बड़े बड़े एथलीट डॉक्टर बहुत सारे लोग हैं, पुलिस वाले CSP DSP जो तेरी मारेंगे ना अच्छे से आके अकाउंट में, तो तेरे को समझ में आएगा मैं जिन लोगों के साथ उठता बैठता हूँ ना, तुझे कुछ नहीं पता मेरे बारे में, मेरे लेवल के बारे में, और क्या बोलता है मेरे को नॉलेज नहीं है, तो फिर झक मराने को मुझे रोस्ट मार रहा है तू, मेरे को नॉलेज नहीं है तो तुझे फॉलोवर चाहिए मेरे से, है ना? और क्या बोलता है, हाँ अबे साहिल खान जो भाई है ना वो जज कर चुके हैं मेरे को, संग्राम चोगले सर जज कर चुके हैं, मनोज पाटिल जो है ना उसके साथ कंपटीशन खेल चुका हूँ, मंगेश गावड़े, जब तू चड्डी पहनता होगा ना तब मैं स्टेज पे चढ़ गया था, नहीं तो देख लेना तेरे 10 साल पहले के फोटो और मेरे दिखा दूंगा तेरे को, ठीक है? और क्या बोलता है, लाइव पे आके मुंह दबा देगा, सामने आके बात नहीं कर रहे हो, सामने आके खड़े हो जाएगा ना तू, तेरी आवाज भी नहीं निकलेगी मुझे पता है, और जब लाइव पे आया ना मेरे साथ तो भागना मत, एक चीज का ध्यान रखना, तेरे को 4 दिन में आना है, 40 दिन में आना है, जब आना है आ जा, कोई दिक्कत नहीं है, तेरे अंडे छर्रों को भी ले आना साथ में, जो उछल रहे हैं ना तेरे साथ में उनको भी देख लूंगा और तेरे को भी।